Hello, my dear children. Welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing book 7. This is your grammar book and the name of your book is Grammar Glitter Odyssey. Today we are going to start with chapter number 4 of your book and the name of the chapter is Adjectives. So let's start the chapter. In the previous chapter we have learned about pronouns. Here we are going to learn about adjectives. So what is an adjective? An adjective is a describing word. Adjective kya hota hai? Ek describing word hota hai jo kisi bhi noun ko describe karta hai. Noun kaisa hai ye batata hai. It adds something to the meaning of the noun or a pronoun by telling its number, quality or color. तो ये क्या करता है नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कैसा है उसका कलर कैसा है उसकी क्वालिटी कैसी है उसके नंबर्स कितने मीन्स कितने नाउन हैं. फॉर एग्जाम्पल नसरीन इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. सो यहाँ जो चिल्ड्रन पहला एग्जाम्पल है उसमें कहा जा रहा है कि नसरीन एक ब्यूटिफुल गर्ल है. तो जब हम कहेंगे गर्ल कैसी है तो आपने बोला ब्यूटिफुल. सो ब्यूटिफुल वर्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव. सेकेंड वन राहुल इज अ ब्रेव बॉय. बॉय कैसा है ब्रेव. तो इसका मतलब ब्रेव क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट क्वालिटी क्वांटिटी डेमोन्स्ट्रेटिव इंटरोगेटिव पॉजिटिव नंबर पार्टिसिपल ऑर्डर फॉर्मेशन डिग्री ऑफ कंपैरिजन. नाउ एज वी नो व्हाट आर एडजेक्टिव्स let's learn about the kinds of adjective. There are different kinds of adjective. जो adjective है उनके बहुत सारे kinds होते हैं. They are types of adjective and examples are given here. So here is the first one which is adjective of quality. तो नाम आपने अभी पढ़ा है quality और quality का मतलब होता है किसी भी चीज़ की quality बताना किसी भी noun की quality बताना. So adjective of quality describes the quality of a noun. They answer the question of what kind. Kaisa hai? The colorful pencil box is mine. Pencil box kaisi hai? To aapne bola colorful hai. So here colorful is adjective of quality. Next is adjective of quantity and it tells about the quantity. Noun kitna hai? So they tell us how much. For example, they drank All the juice. तो juice तो पी गए कितना पिया तो आपने बोला all सारा ही पी गए. Next is demonstrative. अभी हमने पढ़ा था demonstrative pronoun. Here we are going to learn about demonstrative adjectives. So demonstrative adjectives क्या होते हैं These point to a particular noun. ये भी same होते pronoun की तरह ही होते हैं. ये किसी पर्टिकुलर नाउन की तरफ इशारा करके बताते हैं. दे इंक्लूड दिस दैट दीज दोज. ये सारे वर्ड्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. फॉर एग्जाम्पल सुरभि कुक्ड दैट डिश हरसेल्फ. सुरभि ने कुक किया था दैट मीन्स वो डिश खुद से अपने आप किया था. तो आप देख सकते हो दैट के बाद आपको नाउन ज़रूर मिलेगा. तो इस बात पे ध्यान देंगे कि जब भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव यही सेम आप कह सकते हो मेन जो डिफरेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में वो ये है कि जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा आपको नाउन मिलेगा. बट प्रोनाउन के केस में ऐसा नहीं होता. नाउन और एडजेक्टिव दोनों दूर दूर होते हैं. नेक्स्ट कम्स पॉजिटिव एडजेक्टिव. अभी हमने पढ़ा था पॉजिटिव प्रोनाउन. अब हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव. सो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर यूज टू इंडिकेट हु और व्हाट ओन समथिंग. ये बताते हैं कि कौन क्या ओन कर रहा है किसके पास कौन सी चीज है. दे इंक्लूड माय योर्स हिज हर आर देयर एंड इट्स. माय बेस्ट फ्रेंड विल विजिट अस सून. अब यहाँ पे माय क्या है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव और उसके बाद है हमारा नाउन. नेक्स्ट वन इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. दीज आर द क्वेश्चन रिलेटेड टू द नाउन. ये भी क्या करते हैं क्वेश्चन पूछते हैं और जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स में आएंगे.
लेकिन चिल्ड्रन सेम थिंग, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन भी होते हैं, तो क्या डिफरेंस है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद में आपको नाउन मिलेगा, बट इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद आपको नाउन नहीं मिलेगा, दोनों बहुत दूर दूर होते हैं. सो हुज वर्क इज दिस? तो यहाँ पे हुज वर्ड यूज किया गया है, विच इज एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. चिल्ड्रन नेक्स्ट कम्स एडजेक्टिव ऑफ नंबर. दिस टेल अस अबाउट द नंबर. ये क्या करते हैं, हमें नंबर के बारे में बताते हैं. कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स. तो आपने पढ़ा होगा कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो पोजिशन बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो मैरी प्रैक्टिस इन 4 कॉम्पिटिशन. उसने 4 कॉम्पिटिशन में प्रैक्टिस पार्टिसिपेट किया है. सो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर कार्डिनल. नील आर्मस्ट्रांग वॉज अ फर्स्ट मैन, फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन द मून. सो यहाँ पे फर्स्ट क्या बता रहा है, ऑर्डिनल नंबर. नेक्स्ट कम्स इनडिफिनाइट एडजेक्टिव्स. इनडिफिनाइट एडजेक्टिव्स भी हैं. हियर आर सम टॉयज फॉर द चिल्ड्रन, मीन्स जिसमें हमें पता ही नहीं कि कितने टॉयज हैं, कुछ हैं पर ये नहीं पता कितने हैं वो टोटल में. सो सम इज हियर इनडिफिनाइट एडजेक्टिव, और आप देख सकते हो एडजेक्टिव के बाद है नाउन. नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. नीदर किड हैज फाउंड द लॉस्ट बॉल. सो नीदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. सो दिस दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. सो नेक्स्ट कम्स प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव आर एक्टिव एंड आर यूज टू डिनोट अ पर्टिकुलर इफेक्ट. सो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हैं, ये एक्टिव हैं और इन्हें यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर इफेक्ट को डिनोट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट वीक. मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी देखी. तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग मूवी क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बता रहा है हमें. नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. द टायर्ड ओल्ड मैन सैट डाउन अंडर द ट्री. सो यहाँ पे जो टायर्ड वर्ड है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है उस ओल्ड मैन के बारे में. सो ये है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव. बोथ प्रेजेंट पार्टिसिपल विच इज आईएनजी एंड पास्ट पार्टिसिपल विच इज ईडी कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव एज दे आर नोन एज पार्टिसिपल एडजेक्टिव. दोनों को ही एज एन एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज. Underline the adjectives in the following sentences and state their kind. हमें पहले क्या करना है, एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना और बताना है कौन सा एडजेक्टिव है ये. सो हियर सोलोमन वॉज अ वाइज किंग. वाइज इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी पता चल रही है. द टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल. फेरोशियस इज अगेन अ क्वालिटी. The foolish crow opened his mouth to sing. Foolish is also a quality. You have no sense. No क्या बता रहा है आपको, number. Now children, let's do this sixth one. Which game do you play? So which is interrogative adjective? क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ये. नेक्स्ट में ही शोड मच पेशेंस. तो मच क्या है, क्वांटिटी. सो चिल्ड्रन वी हैव डन मेनी ऑफ द क्वेश्चंस. द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड दिस फिफ्थ वन यू हैव टू डू योरसेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर बी. Fill in the blanks with the types of adjectives mentioned in bracket. तो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ एडजेक्टिव्स के नेम दिए गए हैं, आपको वैसे ही एडजेक्टिव्स यहाँ पे फिल करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज जॉय एट डैश सैंडविचेज येस्टरडे. नंबर लिखना है और सैंडविचेज हैं तो एक से ज़्यादा लिखना है आपको. सो यू कैन राइट टू सैंडविचेज येस्टरडे. कल जॉय ने 2 सैंडविचेज खा लिए थे. शी हैज़ 1 डैश कॉम्पिटिशन.
So she has won many competitions. Here you have to fill indefinite adjective. My dash scarf is missing from my room. Quality आपको लिखनी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे red scarf. It can be any color you can say or any quality you can write. Please distribute dash pencils in the class. So pencils की बात हो रही है तो हम कह सकते हैं these. So similarly do these two on your own. Next is order of adjective. हमने पढ़ा adjectives के बारे में, अब हम पढ़ेंगे कि adjective को किस order में लिखा जाता है. You have already known that when we use more than one adjective to describe a noun, एक noun को describe करने के लिए कई सारे adjectives हम एक साथ लिख सकते हैं. We have to follow the certain order. कुछ order है उसे हमें follow करना होता है. Look at the table and to revise the order of adjectives. तो यहाँ पे एक टेबल दी गई है, उसको देखना है और ऑर्डर जो भी है एडजेक्टिव का उसे फॉलो करना है. सो हियर द फर्स्ट इज नंबर. सबसे पहले किसी भी नंबर को हम लिखते हैं. सो नंबर कैन बी 1, 15, एनी वन. ओपिनियन, जो ओपिनियन शो करे. देन कम्स साइज. साइज कैन बी ह्यूज और माइन्यूट और एनीथिंग. एज, शेप, कलर, ओरिजिन या फिर नेशनैलिटी, मटेरियल एंड पर्पस. सो चिल्ड्रेन, जो एडजेक्टिव्स हैं उसको हम इसी तरीके से लिखते हैं, इसी फॉर्म में लिखेंगे. पहले अगर कोई भी एडजेक्टिव आता है तो पहले हम नंबर लिखेंगे, फिर ओपिनियन लिखेंगे, फिर साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस. सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज. Put the adjectives in bracket in the right order. So आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ adjectives लिखे हैं bracket में, उनको correct order में लिखना है. So I'm going to write it here and you do it with me. So here the first one will be a fat, tall, black man. So children, this is the correct order. पहले fat आएगा, फिर tall आएगा और फिर black आएगा. Next, a hard working woman is written here. हमें 40 years old, sick और short, इन सबको इसमें adjust करना है, adjectives को लिखना है. So what will be the answer? A second number, a 40 years old, short, hard working sick woman. Clear children? So सबसे पहले हमने 40 लिखना है, 40 ईयर ओल्ड. देन 40 क्या हो गया, हमारा नंबर आ गया. देन शॉर्ट इज द साइज. सो चिल्ड्रन वी विल राइट 40, देन शॉर्ट, देन हार्ड वर्किंग, देन सिक एंड देन वेमेन. नाउ लेट्स डू दिस थर्ड वन. आई यूज अलमीरा, ग्रीन स्क्वायर, वुडन. सो व्हाट विल बी द आंसर? अ ह्यूज square green wooden almira. Clear? Similarly, the next one you will write a beautiful pink purse. Fourth one you will write a beautiful pink purse. So children, I hope you have understood. You have to see this and accordingly we have to complete this. So you have to complete question number 5 to 8 on your own.
Now children, let's learn about formation of adjectives. Adjectives को कैसे form करते हैं? Adjectives may be formed from noun, verb or adjective. Adjective को हम noun से भी form कर सकते हैं, verb से भी form कर सकते हैं और adjective से भी form कर सकते हैं. What are the rules? Noun से अगर form करना है तो क्या rules follow करना है? By using the suffix. Suffix use करना है means किसी भी word के बाद हमें लगाना है क्या? O-U-S, I-C, A-B-L-E, F-U-L, A-L and Y. तो honor का बन जाएगा honorable, beauty का बन जाएगा beautiful. Similarly, verb की जब हम बात करते हैं तो क्या क्या rules को follow करना है? हमें suffix के form में लगाना है full, able, able and less. For example, cheer बन जाएगा cheerful and taste बन जाएगा tasteful. Adjective by using suffix like कौन कौन से suffix use करने इसमें some, fold, ish and ly. So red बन जाएगा reddish, two बन जाएगा twofold. So after learning the formation of adjectives, let's do this. Exercise number D. We have to form adjectives by adding suitable suffix. Suffix को add करके हमें जो है adjectives form करना है. तो slave बन जाएगा slavery, thought बन जाएगा thoughtful, child बन जाएगा childish, honor बन जाएगा honorable, so similarly children complete the rest of the questions that are given here. Now let's move on to exercise number E. Form adjectives from the given words. यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, उससे हमें adjectives को form करना है. And then use those adjectives to form sentences of your own. और उन adjectives को use करना है अपने खुद के sentences form करने के लिए. So here the first word is a storm, जो बन जाएगा stormy. तो क्या सेंटेंस बनेगा? द वेदर आउटसाइड इज स्टॉर्मी. क्लियर चिल्ड्रन? तो आपको क्या करना है, पहले आप इनसे एडजेक्टिव बनाएंगे और फिर उनसे सेंटेंसेस. जॉय बन जाएगा जॉयफुल and then frame the sentences. So do these questions on your own. Next is comparison of adjectives. How can we compare the given adjectives? An adjective can exist in three quantums called degree of comparison. So adjectives come three tarike se aap keh sakte ho, three quantums mein ye belong karte hain jinhe hum degree of comparison kehte hain. There are three degrees of comparison. कौन कौन से हैं? The positive degree, the comparative degree and the superlative degree. So ये three degrees हैं comparison के. First comes the positive degree. The adjective in its simplest form is said to be is a positive degree. इसमें क्या होता है? Adjective जो अपने simplest form में होता है, इसमें कोई भी तरीके का comparison नहीं होता है. It describes only the quality that an object has. इसमें सिर्फ उस object की quality बताई जाती है. There is no comparison. कोई भी तरीके का comparison यहाँ पे नहीं होता है. For example, Aman is a strong boy. Aman एक बहुत ही ज़्यादा strong boy है. इसमें किसी भी बच्चे से उसको compare नहीं कह रहा कि वो दूसरा बच्चा कैसा है, Aman कैसा है. सीधा कहा गया कि Aman एक strong boy है. Second one comes the comparative degree, जिसमें दो लोगों के बीच में comparison होता है. So when two people or things are compared, जब दो people या फिर दो things को compare किया जाता है, it is called comparative degree. For example, Kunal is stronger than Aman. अभी हमें पता था कि Aman एक strong boy है, लेकिन अब एक दूसरा बच्चा आता है जो Aman से भी ज़्यादा strong है. तो हमने लिख दिया Kunal is stronger than Aman.
थर्ड इज द सुपरलेटिव डिग्री. अब इस सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है. When we compare more than two people or things, जब हम दो से ज़्यादा लोगों या फिर things को compare करते हैं, it is called superlative degree. The superlative means the highest degree of quality. ये जो है highest degree है quality की that we are talking about, जिसके हम बात करें. For example, Chandu is the strongest of all. अभी हम दो बच्चों के बारे में जानते थे, एक अमन था और दूसरा था कुणाल. अब एक तीसरा बच्चा आया जिसका नाम है चंदू, जो इन सब बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है. तो चिल्ड्रन, आपने क्या नोटिस किया, जब कोई कंपैरिजन नहीं था तो ये वर्ड स्ट्रॉन्ग था, जैसे दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन हुआ, स्ट्रॉन्ग में हमने ER लगा दिया. जब दो से ज़्यादा बच्चों के बीच में कंपैरिजन हुआ तो स्ट्रॉन्ग में हमने EST लगा दिया. सो दिस इज टू बी फॉलोड. Degrees of comparison. A large number of adjectives have comparative and superlative endings. ज़्यादातर जो adjectives हैं उसमें comparative और superlative endings होती हैं, जैसे कि ER या फिर EST. Some words have more or most. कुछ words ऐसे हैं जिसमें हम more या फिर most लगा के comparison करते हैं comparative और superlative degree में. No type of comparison is possible with certain adjectives. किसी भी तरीके का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है कुछ एडजेक्टिव्स के साथ. दे कैन नॉट शो अ ग्रेटर और लेसर डिग्री. ये जो है कोई ग्रेटर या फिर लेसर डिग्री को शो नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट, डेट, इंटीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर. सो चिल्ड्रन, एज वी हैव लर्न अबाउट कंपैरिजन, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज नंबर F. So let's move on to question number F. We use ER and EST for short words. जो short words होते हैं उसमें हम ER या फिर EST use करते हैं, one syllable adjective, जो one syllable वाले words होते हैं. There are sometimes changes in spelling. कई बार क्या होता है, spelling में change आ जाता है, one vowel और one consonant आ जाता है. तो consonant is doubled, और ऐसे केस में क्या होता है, जो consonant है वो दो बार लिख दिया जाता है. तो चलिए देखते हैं. पॉजिटिव डिग्री इज ऑलरेडी रिटन हियर, वी हैव टू राइट ऑन द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री. सो स्मॉल का कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा स्मॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. शॉर्ट का बन जाएगा शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. क्लियर चिल्ड्रन? सो लाइक दिस राइट डाउन द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द गिवन वर्ड्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जी एक्सरसाइज. वर्ड्स एंडिंग इन ई, कुछ वर्ड्स हैं जो ई से खत्म होते हैं. ओनली आर एंड ST आर यूज. ऐसे वर्ड्स में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में हम सिर्फ R लिखते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में सिर्फ ST लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वाइस बन गया वाइजर एंड वाइजेस्ट, वाइट बन गया वाइटर एंड वाइटेस्ट, ब्रेव बन गया ब्रेवर and bravest. Clear children? So like this complete the rest of the questions on your own. Next is exercise H. We also use ER and EST for two syllables adjectives that end in Y. So yahan pe kaha ja raha hai ki वो एडजेक्टिव जिसमें टू सिलेबल्स हैं ऐसे में भी हम ER और EST लगाते हैं, जिसमें लास्ट वर्ड क्या है, Y आ रहा है. Y इज चेंज टू I, Y का हम I बना देते हैं और ER या फिर EST लगाते हैं. सो लेट्स डू द फर्स्ट वन. फर्स्ट इज हैप्पी. सो हैप्पी का Y हटाना है हमें और IER लगा देना, हैप्पियर बन जाएगा. और सुपरलेटिव में बन जाएगा
happiest, happiest. Nasty, nastier, nastiest. T-I-E-R and N-A-S, T-I-E-S-T, nastiest. Pretty, prettier, prettiest. So P-R-E-T-T-I-E-R, prettier. And P-R-E-T-T-I-E-S-T, prettiest. Clear, children? So like this, complete these questions. Now let's move on to I exercise. We use more and most for words ending in fill. So यहाँ पर children ये कहा जा रहा है कि कुछ जो words हैं उनमें हम more लगाते हैं, comparative में most लगाते हैं, superlative में. कब? जब वो जो words हैं वो fill से end कर रहे हैं, less से ख़त्म हो रहे हैं या फिर ed से ख़त्म होते हैं. एंड मैनी अदर टू सिलेबल एडजेक्टिव्स, और जो टू सिलेबल एडजेक्टिव्स हैं उनमें भी हम मोर या फिर मोस्ट लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फेमस, जब हम फेमस वर्ड को बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? फेमस, दो बार हमने तोड़ा इस वर्ड को, दो बार, फे एंड मस, तो फेमस. तो टू सिलेबल आएंगे यहाँ पे. सो टू सिलेबल में हम लिखेंगे मोर फेमस, मोस्ट फेमस. क्लियर? हैंडसम, हैंडसम, टू सिलेबल वर्ड. सो मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम. क्लियर चिल्ड्रन? सो लाइक दिस You have to complete these words. अब difficult word को क्या? Difficult, three syllable word. So इसमें भी more difficult and most difficult आएगा. So do the given questions on your own. Next is G exercise. A few adjectives have irregular comparatives and superlatives. So यहाँ पे कुछ adjectives हैं जिसमें कुछ irregular comparative और superlatives हैं. क्या है? मीन्स इनमें ना तो हम ER लगाते हैं, ना EST लगाते हैं, ना ही इन वर्ड्स को हम मोर या फिर मोस्ट से कंपेयर करते हैं. क्या होता है, इन जो ये जो एडजेक्टिव्स यहाँ पे दिए गए हैं इन वर्ड्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में. सो गुड बन जाता है बेटर in comparative and best in superlative. Good, better, best. Bad बन जाता है worse and worst. Clear children? So like this, complete these three. Next comes K exercise. Change the following sentences in the degrees mentioned in the bracket. तो bracket में कुछ degrees दिए गए हैं, वैसे हम इन sentences को change करना है. So I am going to write it here. The first question is Shakespeare is the most famous of all the writers in English. तो यहाँ पे Shakespeare की बात हो रही है कि वो जो है most famous है. Means यहाँ पे superlative degree में ये सेंटेंस है और इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है. सो हाउ वी विल चेंज इट, व्हाट द सेंटेंस विल बी, आई एम राइटिंग इट हियर. सो हियर द फर्स्ट वन इज शेक्सपियर इज मोर फेमस. Shakespeare is more famous than any other writer, any other English writer. So this is our first answer. हमने क्या किया? More word को use किया, more famous को use किया है.
सो शेक्सपियर इज मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश राइटर. सो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं मोर तो आएगा, साथ में देन वर्ड भी आना चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट आंसर. सेकेंड वन इज आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल. अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है, हमें क्या करना है इसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है. सो लेट्स राइट द सेकेंड वन. नो अदर मेटल, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन. तो यहाँ पे क्या है, कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कि बस ये कहा जा रहा है कि आयरन जितना यूजफुल कोई भी मेटल नहीं है. नेक्स्ट थर्ड वन इज आई अर्न एज मच मनी एज राम. अब ये क्या है, एज मच मनी. अब यहाँ पे मच का यूज हो रहा है विच इज सुपरलेटिव डिग्री, तो हमें इसे कंपैरेटिव डिग्री में करना है. सो क्या हो जाएगा, आई अर्न मोर मनी देन राम. आई अर्न मोर मनी देन राम. सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर. चाइना इज लार्जर देन इंडिया. सो अब आप देख सकते हो ये कंपैरेटिव डिग्री में, इसे हमें क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. चलो वो इन द वर्ल्ड की जरूरत नहीं है, चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. चलो लिख देते हैं इन द वर्ल्ड. सो यहाँ पे क्या किया हमने, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है. सो चिल्ड्रन आई हैव रिटन द आंसर्स हियर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट these four questions, question number 5 to 8. Now let's move on to L exercise. Write the adjectives in the correct category box below. So yahan pe kuch adjectives diye gaye hain, orange, beautiful, large, ugly, green, narrow, tiny, massive, tall, red. So what you have to do, you have to write down all these adjectives in the given category boxes. So here orange, now beautiful, next will be large, ugly, green, narrow, so like this write down the given adjectives. So children, now let's learn essay writing. So here we are going to learn what is essay writing. An essay or a composition can be an expression of your opinion. Essay kya hai, ek composition hai jo aapke opinion ko express karta hai, feelings ko express karta hai aur experiences ko batata hai. इट इज़ नॉट हाउ एवर अ रैम्बलिंग पीस ऑफ राइटिंग. ये ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, बट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. लेकिन क्या है, हमें ऐसे को हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है. एन एसे इज यूजली डिवाइडेड इन टू पैराग्राफ्स. अभी हमने पढ़ा था पैराग्राफ राइटिंग इन अ प्रीवियस चैप्टर्स. तो यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ्स को एक साथ क्या किया था, कंपाइल किया जाता है. द फर्स्ट पैराग्राफ इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन. जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं. And the final paragraph is called the conclusion. जो final paragraph उसे conclusion कहते हैं. The paragraphs in between the introduction and the conclusion consist of the body of the composition.
सो अब इन दोनों ही इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच में जो पैराग्राफ आते हैं उन्हें हम बॉडी कहते हैं. दीज पैराग्राफ्स हेल्प टू डेवलप द थॉट एंड आइडिया ऑफ अ कॉम्पोजिशंस. तो ये क्या करते हैं, ये जो पैराग्राफ्स हैं ये हेल्प करते हैं आइडियाज़ को और थॉट्स को डेवलप करने में. वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन गुड एसे? फर्स्ट इज यूनिटी. द कॉम्पोजिशन मस्ट डेवलप एन वन थीम विद अ डिफिनेट पर्पस. तो यहाँ पे जो भी कॉम्पोजिशन हम लिखेंगे उसका जो थीम है वो एक डिफिनेट पर्पस की तरफ बताना होना चाहिए. सेकेंड कम्स द ऑर्डर. द एसे शुड फॉलो अ सर्टेन ऑर्डर लाइन ऑफ थॉट्स एंड कम टू अ डिफिनेट कंक्लूजन. सो ये जो एसे है इसका जो ऑर्डर लाइन है वो एक प्रॉपर कंक्लूजन की तरफ आना चाहिए. ब्रेविटी. द लिमिट शुड बी अबाउट 300 वर्ड्स. दो ऑफ कोर्स देयर कैन बी नो स्ट्रिक्ट रूल एज टू लेंथ. सो यहाँ पे जो लिमिट है वो 300 वर्ड्स तक की होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं किया जाता है. लेंथ डिपेंड्स एंड अ गुड डील ऑन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट. लेंथ जो डिपेंड करता है कैसा सब्जेक्ट का नेचर है. बट एन एसे शुड बी ब्रीफ एक्सरसाइज कंसाइजली एक्सप्रेस्ड. लेकिन एसे जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स स्टाइल. द स्टाइल ऑफ एन एसे मस्ट बी डिग्निफाइड एंड लिटरेरी स्लैंग. सो ये जो स्टाइल है एसे का वो डिग्निफाइड होना चाहिए और एक लिटरेरी स्लैंग होना चाहिए. कॉलोक्वेट टर्म्स एंड फ्री एंड ईजी कंस्ट्रक्शंस आर नॉट प्रॉपर इन एन एसे. द लैंग्वेज एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल डायरेक्ट एंड नेचुरल. सो जो भी यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह यूज किया जाता है एसे में वो सिंपल होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए. फिफ्थ इज द पर्सनल टच. एन एसे शुड रिवील द पर्सनल फीलिंग एंड ओपिनियन ऑफ द राइटर. सो जो एसे होता है उसमें जो भी राइटर है उसकी पर्सनल फीलिंग और ओपिनियंस का एक प्रॉपर टच होना चाहिए. इट शुड हैव इंडिविजुअलिटी इन इट. जो एसे उसके अंदर खुद की एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए. दीज फीचर्स आर नेसेसरी फॉर इन अ गुड एसे. ये सारे फीचर्स होने चाहिए गुड एसे में. सूटेबल सब्जेक्ट मैटर, प्रॉपर अरेंजमेंट एंड एडिक्वेट पावर ऑफ एक्सप्रेशन. सब्जेक्ट मैटर सूटेबल होना चाहिए, जो सेंटेंसेस उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए और एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट होने चाहिए. वेयर ऑल दीज थ्री आर प्रेजेंट एसे विल बी सक्सेसफुल. सो जब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है तो एक्सेल बहुत ही आपका अच्छा हो जाएगा. ऑफर अ सरप्राइजिंग स्टैटिक दैट कन्वेज समथिंग अबाउट द प्रॉब्लम. तो यहाँ पे जो है एक सरप्राइजिंग स्टैटिक होना चाहिए जो प्रॉब्लम को कन्वे करे. To be addressed in the essay. Perhaps you can find an interesting quote that nicely sums up your essay. Last में आप ये कर सकते हो कि एक अच्छा सा quote find out कर सकते हो अपने essay के लिए, जिससे आप उसे conclude कर सको. How do we write a good essay? कैसे लिख सकते हैं? First step says determine your purpose of writing the essay. पहले सबसे पहले हमें ये सोचना है कि क्या purpose है हमारे writing का. Look over the assignments carefully and gain a better understanding of what your teacher wants from the essay. तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि टीचर आपसे चाहती क्या है, कि आप क्या लिखो उस एसे में, इस बात पे ध्यान देना है पहले. Second point is write down everything and anything about your topic. आपको जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में हर कुछ लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. Ideas are the starting point of an essay. जो भी ideas हैं वो ऐसे का स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं. थिंक अबाउट द ओवरऑल पॉइंट यू वॉन्ट टू गेट अक्रॉस योर रीडर दैट यू डिफाइन इन स्टेप वन. तो उन सारे पॉइंट्स के बारे में सोचो जो आप चाहते हो आपका रीडर जिस पे फोकस करे, जिसके बारे में आपने स्टेप वन में सोचा था. ऑर्गेनाइज योर थॉट्स. अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो. इट इज व्हेन यू शिफ्ट थ्रू द रिसर्च फ्रॉम स्टेप टू एंड फाइंड द मोस्ट वैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन that you will want to include in your essay. This is the step where you can create an outline. So आपको अपने ideas को organize करना है और इसी तरीके से जैसे step 3 में लिखा गया है, इस तरीके से आपको अपने essay को better form में create करना है. Step 4 says start writing, then take a step back. जो भी आप लिख रहे हो उसको start करो और फिर थोड़ा सा पीछे हट के देखो कि क्या आप जो लिख रहे हो वो appropriate है या नहीं है.
It might sound a little late in the process to start writing the essay itself, but after you have done the first three steps, this part will be made significantly easier. जब आप पहले के तीन स्टेप जो इससे पहले दिए थे वो अगर कर लोगे तो ये जो चौथा स्टेप है आपको इजी लगने लगेगा. रिमेंबर दैट यू कैन ऑलवेज गो बैक टू प्रीवियस पेज इन दिस प्रोसेस एंड डू मोर रिसर्च. आप इस बात का ध्यान रखो कि आप जो प्रीवियस पेजेस थे वहाँ तक जा सकते हो, प्रीवियस स्टेप्स तक जा सकते हो और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो. टू द थिंग्स to your outline if you realize adjustment need to be made as you write. Now step 5 says grade your own essay. अपने खुद के essay को grade दो. Once your essay is finished, read it over as if you were not the one who wrote it. तो जब आपका essay complete हो जाए तो उसे ऐसे read करो कि आपने उसे लिखा ही नहीं है, आप पहली बार उसे पढ़ रहे हो. What is interpretation? At this point, one has to understand the difference between a descriptive composition and a narrative composition. तो इस point पे क्या होता है कि एक इंसान को पता होना चाहिए क्या difference है descriptive और narrative composition के बीच में. Certain topics like a village fair may seem a little confusing. अगर आपको ऐसे topic दिया जाए village fair तो थोड़ा बहुत आप confused हो सकते हो. The confusion arises in whether the composition ought to be written in the first person or the third person. आप confused इसलिए हो जाओगे कि कहीं मुझे ये जो paragraph लिखना है इसे first में लिखना है या third person में लिखना है. A village fair may be written in the first person. Village fair को हमेशा first person में लिखना चाहिए. However, the description of the fair is more important than the narrator's experience of it. जो डिस्क्रिप्शन है उस फेयर का वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जैसा नरेटर ने एक्सपीरियंस किया था उससे भी ज़्यादा. इट मे कम एज अ पार्ट ऑफ द कंक्लूजन. वो कंक्लूजन का एक पार्ट हो सकता है. इफ द टॉपिक रीड्स हाउ यू स्पेंट अ डे इन अ फेयर देन द नरेटर्स एक्सपीरियंस बिकम एज इम्पॉर्टेंट एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेयर. सो अगर ये जो है अगर टॉपिक होता है हाउ यू स्पेंड अ डे इन अ विलेज फेयर, अगर टॉपिक अ विलेज फेयर की जगह ये होता है कि हाउ यू स्पेंड अ डे इन योर इन अ विलेज फेयर देन द नरेटर्स एक्सपीरियंस बिकम्स एज इम्पॉर्टेंट एज अ डिस्क्रिप्शन. तो इस केस में क्या होगा, जो नरेटर का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस हो जाएगा. रिमेंबर दैट डिस्क्रिप्शंस आर अ पार्ट ऑफ नरेटिव एसे. आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो डिस्क्रिप्शन है वो नरेटिव एसे का एक पार्ट है. एंड डिस्क्रिप्टिव एसे मे बी और मे नॉट बी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन. और ये जो डिस्क्रिप्टिव एसे हैं इन्हें हम फर्स्ट पर्सन में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं. सो चिल्ड्रन, हियर सम एग्जांपल्स ऑफ एसेज आर गिवन. द फर्स्ट एसे इज अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम. द एंड लेट्स सी हाउ इट इज रिटन. फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन द हेडिंग एंड देन वी आर स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अब्दुल कलाम. So the full name of Dr. APJ Abdul Kalam is written here. And when he was born, that is written. कहाँ पे वो पैदा हुए थे वो लिखा हुआ है. And how was his family background कैसा था वो लिखा हुआ है. So आप देख सकते हो first paragraph में सिर्फ उनके एक introduction दिया गया है. अब second paragraph start होता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी, कहाँ से की थी, कौन से जो है कॉलेज ज्वाइन किया, कहाँ से स्कूलिंग की, क्या क्या उपलब्धियाँ थी, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं कि वो इसरो गए या उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, कब किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं. उन्होंने कौन कौन से मिसाइल्स बनाए थे उनके भी नेम यहाँ पे लिखे गए हैं सेकेंड पैराग्राफ में. अब आगे उनकी और क्या उपलब्धियाँ थी वो दी गई हैं कि वो 11th प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के. उन्होंने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया, वो बहुत ही ब्रिलियंट थे, उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले, तो उन अवार्ड्स के नेम लिखे गए यहाँ पे. अब जो है लास्ट पैराग्राफ है उसमें बताया गया है कि अब्दुल कलाम की कैसे डेथ हुई और कौन से डेट को हुई और क्या कर रहे थे वो उस समय, ठीक है. एंड ऑन 30 जुलाई आप देख सकते हो द फॉर्मर प्रेसिडेंट वॉज लेड टू रेस्ट इन रामेश्वरम. कहाँ पर उनकी जो है मतलब यादगार मेमोरी बनाई गई वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं. अब आप देख सकते हो वो 3,50,000 पीपल अटेंडेड द लास्ट राइट्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर. तो अब कौन कौन लोग उसमें शामिल थे ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं.
सो चिल्ड्रन, आपने देखा कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखा गया, देन थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनकी स्टार्टिंग लाइफ के बारे में बताया गया, फिर आगे उन्होंने पढ़ाई कैसे की, फिर उन्होंने क्या क्या उपलब्धियाँ उन्हें मिली, उसके बाद उन्होंने देश के लिए क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें हुई। तो धीरे धीरे ऐसे हमारा जो है स्टार्टिंग से एंड की तरफ आ गया। सो लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन द एसे। सेकेंड एसे इज इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। सो चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड दिस एंड देन you have to write down the given essays. Write an essay in about 300 to 500 words. तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं आपको, इनमें इनके ऊपर essay लिखना है 300 से 500 words के होने चाहिए। On these topics with the help of given guidelines. Pleasure of reading. A railway journey. A prime minister Narendra Modi. Science a boon or a cause. Dowry system. Sportsmanship. Most memorable incident in my life, dependency of computers, diversity in India, internet uses and misuses. So children, यहाँ पे कुछ topics दिए गए हैं, मैंने इन्हें number wise नहीं पढ़ा है, but you have to write down the essay on these given topics. I hope that you understood how to write down the essay and what all points you have to make sure that all those points you are covering. So children, with this, we have completed essay writing. I hope that you enjoyed the video. Thank you.